हूँ। अभी दिन निकला है दोस्तों और अभी पहुँचे स्पॉट के ऊपर और अभी फिशिंग करते करते फिशिंग का भी रिजल्ट देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रेगुलर 6 बजे नाश्ता कर लेता हूँ और आप लेकर आते हैं मेरे लिए नाश्ता दोस्तों 8:30-9 बजे के अंतर में। तो दोस्तों आप लाते हैं नाश्ता, फिर वो मुझे देते हैं और आप कहते हैं कि ये नाश्ता अफसर भाई आप कर लीजिए। तो दोस्तों जब मैं 6 बजे नाश्ता कर चुका हूँ तो 8 बजे नाश्ता आप लाएंगे भी तो मैं वो नाश्ता नहीं कर पाऊँगा। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों मैंने 6 बजे ऑलरेडी नाश्ता कर चुका हूँ। तो इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों अपने को, इससे ये सीख मिलती है कि हमें टाइमिंग पर होना चाहिए स्पॉट के ऊपर। अगर सही तरीके से स्पॉट के ऊपर रहते हैं दोस्तों तो होता ये है कि आपको फिशिंग का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलता है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जो गहरे पानी के अंदर जो गहरे नाले होते हैं उसमें से आकर दोस्तों मरल जो होते हैं पतला पकड़कर बैठते हैं, सवेरे के राउंड में घात लगाकर बैठते हैं। अगर आप सही वक्त पर उसे सही चीज़ देंगे दोस्तों, जैसे कि मेंढक जो है दोस्तों, अगर आप उसे सही टाइम पर देंगे 6 से लेकर 9-10 बजे तक, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा दोस्तों फिशिंग का। और आप अगर ये सोचते हैं कि भाई मैं 9 बजे जाऊंगा 10 बजे जाऊंगा, तो उसके अंदर होता ही है रिजल्ट मिलेगा दोस्तों आपको, लेकिन बहुत ही लेट रिजल्ट मिलेगा। और आप अगर सवेरे टाइमिंग में टच रहते हैं दोस्तों तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको 2-3 घंटों के अंदर सही रिजल्ट मिल जाएगा फिशिंग का और सही आपको फिशिंग हो जाएगी दोस्तों अगर आप टाइमिंग में टच होते हैं तो। तो दोस्तों टाइमिंग का खेल खेलिए, क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइमिंग में आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा और हमें भी मिलता है दोस्तों, हम भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेते हैं फिशिंग का। तो दोस्तों देख सकते हैं आज चला रहा हूँ ये लुकाना का फ्रॉक ब्लैक कलर का बगैर पत्ते की। और आगे दोस्तों अगर हमें इससे कम रिजल्ट मिलेगा तो फिर पत्ता यूज़ कर सकते हैं। और अभी इस स्पॉट के ऊपर घुसेंगे दोस्तों, ये स्पॉट है और इस स्पॉट से फिशिंग चालू करेंगे। देखते हैं किस तरीके का रिजल्ट मिलता है, किस तरीके की फ़िशिंग होती है, वो आगे आपको बताते रहेंगे दोस्तों। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। एक लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो के लिए। और मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि आप वीडियो को पूरी वॉच करें, अंत तक वॉच करें, बगैर स्किप करें देखें दोस्तों, क्योंकि आप जो सवाल करते हैं दोस्तों आपके हर सवाल का जवाब वीडियो में ही रहता है दोस्तों, अगर आप सही तरीके से वीडियो को वॉच करते हैं तो। तो दोस्तों वीडियो तो आप देख रहे हैं लेकिन वीडियो के साथ साथ वीडियो की मूवमेंट भी देखें दोस्तों के, क्या मूवमेंट चल रही है वीडियो के अंदर। तो बने रहे दोस्तों, आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। अब लगाया हूँ दोस्तों पत्ता लगाकर मेंढक, चलिए देखते हैं इससे भी। देख सकते हैं दोस्तों ये हुआ है अटैक, बहुत देर से इड़े चाले कर रहा था। अरे यार, अरे यार, आओ देखो कितना चाबा हुआ है, मेंढके कितने चाबा हुआ है। ये लगी है दोस्तों साइज, हाँ ये पहली साइज। अभी लगाया हूँ दोस्तों पत्ता और मेंढक, जब जाकर ये लगा है और अभी पानी के अंदर हम फिशिंग कर रहे हैं दोस्तों। चल लो थैली लो,
इसमें छोड़ रहे हैं ना। हाँ ले लो अभी का तो ले लो। चलो निकालो मेढी की। अरे बहुत बड़ा वही चाहिए था मेरे मेढी की। पकड़ो सही लिगाम निकालो। वाली थैली ला लो। मैं तो बोल रहा दोस्तों ये पहला अटैक। अटैक हो गए पास में। ये लगा है दोस्तों ये देख सकते हैं आप। ये भी काफी अच्छी साइज है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों साइज और काफी अच्छी साइज है ये भी। आगे भी आपको दिखाते रहेंगे किस तरीके की साइज लग रही है। चलिए इसे लोड कर कर आ जाते हैं। चलिए लोड कर लेते हैं इसे भी। ये जो मेंढक है दोस्तों ये थोड़ी फट चुकी है देख सकते हैं आप। और अभी हम मेंढक चेंज करेंगे और ब्लैक कलर की मेंढक इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ये बहुत ही फट चुकी है ये देखिए। चलिए दोस्तों अब ये ब्लैक मेंढक चलाएंगे देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है इससे भी। चलिए
देख सकते हैं दोस्तों, बड़ा अटैक हुआ, बड़ा बोले तो काफी बड़ा हुआ है दोस्तों। ये दोस्तों साइज, ये देखिए लगभग 3 किलो की साइज है दोस्तों। ये अल्लाह, दीवानी कर दिया, बापा बापा। ये देखिए दोस्तों साइज, बहुत ही जबरदस्त साइज है। और इसे दोस्तों पकड़ा हूँ मैंने कट में से, ये गल में से निकल चुका था, इसे कोशिश कर कर पकड़ा हूँ दोस्तों, और कोशिश कामयाब हुई है दोस्तों। और ये 3 किलो की साइज है, आगे कोशिश करते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों साइज, जबरदस्त साइज है दोस्तों। अटैक हुआ, लगी है मेंढक भी, ब्लैक कलर की मेंढक चला रहा हूँ दोस्तों पत्ता लगा का, और साइज भी काफी अच्छी लग रही है दोस्तों। ये भी 1.5 किलो की साइज है, अभी इससे पहले भी 3 किलो के आसपास का पीस मारा हूँ दोस्तों, और तो 1.5 किलो की साइज और मारा हूँ, और 1.5 किलो की ये भी साइज मारा हूँ, और 1.5-2 किलो की साइज और भी मारा हूँ। ऐसी 4 साइज हो चुकी है, और ये भी साइज अच्छी है। ये देखिए दोस्तों, एक तरफ था ना, जबरदस्त साइज लग रहे हैं दोस्तों, काफी अच्छी साइज। ऐसी रहा हुआ, ऐसी रहा हुआ।
फड़फड़ा रहा दोस्तों, ये बहुत फड़फड़ा रहा, उसको अच्छे गहरे बैठे, बहुत गहरे है मेंढकी। नीलिया तो अलग तक के देखो दोस्तों, उसका मुंह चिन्नात के शरीर का मुंह फड़ा हुआ है और बहुत खतरनाक खोखा रहा, भूखा बहुत था और कोने में छुपा छुपा के था, उसको कोने में से बाहर निकाल निकाल के मारे हमने। ठीक है, मिलते हैं और आगे की वीडियो। भाई अभी 12 बज चुके हैं और काफी धूप में रिजल्ट आ चुका है और बहुत ही ज्यादा तापमान बढ़ चुका है और हब्स भी काफी हो रही है दोस्तों। और काफी अच्छा तो हमें तो फिशिंग हो चुकी है दोस्तों, काफी अच्छी साइज भी लग चुकी है, काफी अच्छा रिजल्ट मिला है फिशिंग का। सवेरे आए थे फिशिंग करने के लिए दोस्तों और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत ही अच्छी फिशिंग हुई है, कमर इतने पानी में जाकर दोस्तों फिशिंग की है हमने और हमें रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिला है आज। और अभी वक्त तो हो गया है दोस्तों, इसलिए हमने अभी पूरा तजमल लपेट चुके हैं और अभी निकलने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ये आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की साइज क्या चुई है, तो ये देख सकते हैं।